और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से बयान दिया राम मंदिर को लेकर के, अब बीजेपी के लीडर गिरिराज सिंह की तरफ से पलटवार किया गया। ये कहा गया ओवैसी के भीतर जिन्ना का जिन घुस गया है। ये गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया, ओवैसी के अंदर जिन्ना का जिन घुसा हुआ है, ओवैसी लोगों को भड़का रहे हैं, देश के हर हिंदू मुस्लिम में राम का डीएनए, ये कह रहे हैं गिरिराज सिंह। असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से बयान दिया था राम मंदिर को लेकर के, उस पर पलटवार बीजेपी का, और खास करके गिरिराज सिंह ने ये कहा कि ओवैसी के भीतर जिन्ना का जिन घुसा है। ओवैसी, मैं बार बार कहता हूं कि ये ओवैसी, जिन्ना का जिन इनके अंदर प्रवेश कर गया है, फिर भारत को ये तोड़ना चाहते हैं और युवाओं को भड़का रहे हैं। प्रभु श्री राम का ही डीएनए पूरे देश में है, हिंदू और मुसलमान दोनों का एक ही है, हम लोग सब प्रभु श्री राम के संतान हैं। और देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने जो बयान दिया राम मंदिर को लेकर के, बीएचपी नेता की तरफ से भी इस पर पलटवार किया गया है। किस तरीके से बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया गया, गिरिराज सिंह ने क्या कहा सुनवाया, इसके अलावा बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया कि ये भड़काऊ भाईजान है। इस तरीके के बयान देने के लिए असदुद्दीन ओवैसी मशहूर है, लोगों को भड़काते रहते हैं। क्या रिएक्शन सामने आए हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्याल सला और हय्याल फला की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सला तो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद है जिसमें दिल्ली की सुनहरी वाली मस्जिद भी है। मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो नौजवानों, ये जो ताकतें हैं ना तुम्हारे दिल से, जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं? न्याय तंत्र का, सर्वोच्च न्यायालय का भी मजाक बनाने वाले ऐसे नेता मुस्लिम यूथ को कहते हैं कि अपने मस्जिदों को आबाद रखो। अरे भाई, उनको निर्वाद करने का काम किसने किया? क्या आपको लग रहा है कि मस्जिदों में वास्तव में यूथ नहीं जाने लगे? मस्जिदों से मुस्लिम यूथ का मोह भंग होने लग गया है? अगर आपके मस्जिदों के छीनने की बात आती है तो उस समय आप कहां सो जाते हैं जब हजरतबल के ऊपर आतंकी हमले होते हैं? अगर मर्यादा पुरुषोत्तम सचमुच आज पृथ्वी पर आ जाए, 22 तारीख के बाद प्राण प्रतिष्ठा के बाद, 2-4 सवाल मोदी जी को ही पूछेंगे। मेरे युवाओं का रोजगार कहां है? देश में इतनी महंगाई क्यों है? लोगों के बीच में संपत्ति का बंटवारा इस तरह का क्यों है कि 5 समृद्धि के टापू के समक्ष सब लोग नतमस्तक है? ये मर्यादा पुरुषोत्तम भी पूछेंगे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम की उस छवि को मोदी जी समझते नहीं है। नफरत की, कुंठित मानसिकता की होची राजनीति से कांग्रेस व गठबंधन के नेता बाज आए। वीर भारत की जो सेना है और पुरातन भारत की आस्था और सनातन का अपमान किया जा रहा है। ये भारत की वीर सेना का अपमान एवं श्री राम जन्मभूमि का अपमान करने की होड़ गठबंधन के तथाकथित नेताओं में लगी है। जीनी